अरे दोस्तों, मैं हूँ कीको। सो गाइस, आज ना लिटिल सिंघम के घर में एक पार्टी चल रहा है, पार्टी जिसमें बहुत सारे बंदे आए हैं और गाइस मुझे भी इनवाइट मिला है। चलो गाइस, साइकिल भगाते और चलते हैं लिटिल सिंघम के घर में। अरे मैं तो ऑलमोस्ट पहुँच ही गया। अरे ओए लिटिल सिंघम यार। सो गाइस, और एक बात बताऊँ, लिटिल सिंघम मेरा सबसे यार दोस्त है, एकदम जिगड़ी यार वाला दोस्त। ओए लिटिल सिंघम भाई, क्या चल रहा है? अरे भाई, मैं तेरे लिए वेट कर रहा था। अरे भाई, तू कैसे एकदम सही सलामत पहुंच गया ना? हाँ यार, तेरे एकदम सही सलामत पहुंच गया। अरे दोस्तों लोग, वाटर लिटिल सिंघम और लावा लिटिल सिंघम, इनसे मिलो। ये है कीको, ये मेरा दोस्त है। हाँ दोस्तों, हाय वाटर लिटिल सिंघम, हाय गोल्ड लिटिल सिंघम। अरे तूने तो लगता है मस्त पार्टी एकदम करा है। अरे यार, ये तो ग्रैंड पार्टी है। अरे ये तो भाई, कितने लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं और तूने अपने घर को पूरा मॉडिफाइड कर दिया, बहुत बढ़िया रे। हाँ यार, तूने सही बताया भाई, थोड़ा मॉडिफाइड मैंने कर दिया। और ठीक है, वाटर लिटिल सिंघम, लावा लिटिल सिंघम, तुम गेट में खड़े रहो भाई, कोई बंदा आएगा तो उसको इनवाइट करना, आई मीन वेलकम करना। अरे ठीक है कीको, तुम मेरे पीछे कर, मैं तेरे को दिखाता हूँ भाई कहाँ पे क्या क्या है। अरे कौन कौन यहाँ पे इनवाइट मिला है, कौन कौन यहाँ पे आया है? अरे यार, यहाँ पे तो नोबिता फोबिता सब लोग आए हैं। हाँ यार, नोबिता आ चुका है भाई, नोबिता बहुत टाइम से डांस कर रहा है। क्यों, नोबिता मेरा पड़ोसी है। अरे यार, ब्लैक लिटिल सिंघम को मैंने इनवाइट किया था क्या भाई? मेरे को याद नहीं। ये देखो गाइस, यहाँ पे अर्थ लिटिल सिंघम डांस कर रहा है। एक मिनट यार, ये तो एक लड़की से बात कर रहा है, कौन गाइस पता है? ये लावा लिटिल सिंघम, जो सबसे ज्यादा क्रू है। अरे मैं बात नहीं कर रहा। भाई तू क्या कर रहा है? ठीक है भाई, तेरी बात ही छोड़ता हूँ मैं। ठीक है कीको, इधर आ। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया पार्टी चल रहा है भाई, यहाँ पे कितना ज्यादा म्यूजिक है भाई, ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया पार्टी है रे लिटिल सिंघम। हाँ यार गाइस, ये ना बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी है। अरे ढींक चले। एक मिनट गाइस, यहाँ पे मैं देखता हूँ भाई कौन कौन यहाँ पे आया है। जोकर, ग्रैनी को गाइस मैंने इनवाइट किया था, मेरे को याद भी नहीं। सो गाइस, मैंने ना 5 दिन पहले सबको इनवाइट किया था, और गाइस इतने सारे बंदे को मैंने इनवाइट किया, किस किस को इनवाइट किया वो भी नहीं याद गाइस, क्या ही बताए। एक मिनट, ग्रैनी को मैंने इनवाइट किया। सो गाइस, ऊपर जो देख रहे हो ना, जाइंट एक चूचू चार्ल्स, वो ना गाइस एक रोबोट है, वो ऐसे ही हिलता है। आपको लगेगा भाई एक असली जाइंट स्किबी टॉयलेट है, भाई असली स्किबी टॉयलेट नहीं है ये। अरे यार, ये तो बढ़िया एकदम भाई, क्या रोबोटिक भाई, लगता है इससे ज्यादा ग्रैंड पार्टी मैंने बहुत कम ही देखा है। ठीक है भाई, तू ना इंजॉय कर, जाके वहाँ पे देख भाई, वहाँ पे जूस विस्की सब कुछ मिलता है। हाँ यार, मैं तो देख के एकदम हैरान हूँ, इतना बढ़िया खूबसूरत पार्टी यार, यहाँ पे इतने सारे बंदे। वे हट जाओ, वे मैं डांस कर रहा हूँ वे। ठीक है जैक, तुम डांस करो जैक। ऑल राइट गाइस, लगता है कीको तो फन करने चला गया। अरे कीको, एक बार नीचे आके देख भाई, नीचे भी कितना ज्यादा जगह है, यहाँ पे गाइस रात में पार्टी होगा भाई। नीचे देखो एकदम पूरा खाली है। चलो गाइस, ऊपर चलते हैं और गाइस देखते हैं भाई कौन कौन बंदा भी आता है। एक मिनट, यहाँ पे तो पूल है। अरे ग्रैनी यहाँ पे, अरे भाई ग्रैनी आया है, एबिल नैन आया है। चलो ये सब छोड़ो भाई, मैं तो पूल में नहाऊंगा, लड़की लोग में आ चुका हूँ। आहा, चलो गाइस अभी ना मैं ऊपर जाके देखता हूँ भाई कि कौन कौन बंदा आया है, सबको वेलकम करना है। मैंने तो सबको 10 बजे का टाइम बताया दिया है। और यार, एक और बंदा कॉल किया है। एक मिनट भाई, तो ट्रक वाला भैया है। अरे ट्रक वाले भैया, यहाँ पे ना एक कोका कोला का बड़ा सा दो बंडल भेज दिए। ऑल राइट भाई, कौन कौन आया था? अरे लिटिल सिंघम भैया, वो ही सिर्फ कीको आया था, उसके बाद तो कोई भी नहीं आया। अरे यार, मुझे ना थोड़ा काम है, तुम सब थोड़ा संभाल लो। के ठीक है लिटिल सिंघम भैया। मैं हूँ एविल नैन, भागती हूँ यहाँ से, मैं चला जाता, भागा भाग यहाँ से चला जाता हूँ। अब 10 बज चुका है, मेरे बेटे का स्कूल का टाइम हो चुका है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे वाटर लिटिल सिंघम, बढ़िया पार्टी था, थैंक यू सो मच। अरे यार, तू इतने जल्दी जा रही है, अरे इसको इनवाइट किया था क्या? मैं जल्दी से यहाँ से चली जाती हूँ। A few moments later. All right guys, 2 घंटा बीत चुका है, और guys मैंने जो काम प्रोजेक्ट था वो भी एकदम निपटा लिया। चलो guys देखते हैं पार्टी अभी कैसा चल रहा है, और guys मेरा 200 लोग तो डांस वांस कर रहे हैं क्या नहीं। अरे मास्टर, यहाँ पे ना एविल नैन भागी दौड़ी यहाँ से चली गई। अरे अभी इतना जल्दी क्यों जाने था? लगता है 2 घंटा क्या सही से नहीं हुआ, एविल नैन आई थी और चली भी गई। चलो गाइस भाई, वो ना उतना अच्छा भी नहीं है एविल नैन भाई, वो बच्चे को मारता है, बहुत ज्यादा गंदा गंदा काम करता है। अरे नोबिता क्या हुआ? अरे लिटिल सिंघम, मेरे को ना होमवर्क करना है, मेरे को याद आ गया, मुझे अभी जाना है। ठीक है मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, होमवर्क करना है तो जा सकता है, नहीं तो तेरी मम्मी से तेरे को डांट पड़ेगा। हाँ यार, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है गोल्डन लिटिल सिंघम, वाटर लिटिल सिंघम बाय। ठीक है जा। अरे यार, फटाफट यहाँ से भगता हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुका है। तो दोस्त एविल नैन नोबिता भाई दोनों पार्टी से चले गए, और गाइस यहाँ पे अभी जोकर डांस कर रहा है, ग्रैनी डांस कर रहा है। एक मिनट गाइस, पूल में कौन है भाई? ये तो कीको है, पूल में ऐसे क्यों लेटा पड़ा है जैसे मर गया।
अरे कीको भाई तू ऐसे क्यों लेटा पड़ा है भाई, तू मजाक कर रहा है क्या? उड़ जा भाई, तो एकदम से नाक के अंदर पानी चला जाएगा। अरे कीको एक ही मिनट गाइस, कीको का सांस बिल्कुल भी नहीं चल रहा। एक ही मिनट भाई, मैं ठीक से देखता हूँ भाई, कीको को किसने ना मर्डर कर दिया भाई पानी के अंदर, बहुत टाइम से ना उसको ऐसे पकड़ के रखा और उसके बाद गाइस कीको मर चुका है भाई। लगता है किसी ने जानबूझ के कीको का मर्डर किया है। अरे यार भाई ये बात किसी को पता भी नहीं, सब लोग देख के सोच रहे भाई कीको ना अभी मजा कर रहा है। तो गाइस मैं वाटर एंड सिंगम कॉल करता हूँ। अरे यार मास्टर कॉल क्यों कर रहे हैं इतना पास रहते ही? अरे यार ये कैसे हुआ? अरे गोल्डन एल सिंगम गड़बड़ हो चुका है। अरे गाइस मैंने वाटर एल सिंगम को बोल दिया भाई, कोई भी नहीं यहाँ से बच कर ना जा पाए। सो गाइस इनमें से कोई ना कीको को मार डाला पानी में एकदम पकड़ के रख के। सो गाइस बंदा सांस ना ले पाने के चक्कर में मर गया बंदा। अरे यार ये तो गड़बड़े भाई, ये बात ना अभी किसी को पता नहीं। मुझे लगता है गाइस एविल नन जो थी ना गाइस वो इसलिए चला गया। लगता है गाइस एविल नन पार्टी में इसलिए आई थी कीको को मार सके। सो गाइस उसको पता था कीको ना पार्टी में आएगा। सो गाइस मैं एविल नन के पास चलता हूँ भाई, उसको तो मैं पकड़ के रखूंगा। गाइस उसने कीको को बिना बात के क्यों मारा? सो गाइस उसके साथ तो कोई झमेला भी नहीं था कीको का। अरे यार कीको मेरा सबसे जिगड़ी यार था भाई, उसको भाई मर्डर कर दिया। अरे यार क्या सीन हो रहा है भाई, लगता है बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रहा है। सो गाइस अभी ना मैं जा रहा हूँ एविल नन के घर में, उसके बाद गाइस उसका हिसाब होगा भाई। वो एकदम से भाग क्यों गई पार्टी से? लगता है गाइस उसने मारा है। अरे चलो मैं घुस गया। अरे क्या हुआ लिटिल सिंगम, कुछ गड़बड़े भाई? तू हाथ ऊपर कर। अरे क्या कर रहे तू मेरे साथ? बोल तूने क्या कीको को मारा? मैंने जाके देखा कीको सांस भी नहीं ले पा रहा भाई, वो बंदा मर चुका है भाई। तूने मारा ना कीको को पानी में एकदम पकड़ के? अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्यों मारूंगा उसको? भाई तू सबसे पहले पार्टी में से क्यों भागा वो बोल। अरे मेरे बेटे का 10 बजे स्कूल है, इसलिए मैं उसको स्कूल छोड़ने आई थी। क्या तेरे बेटे को तू स्कूल छोड़ने के आई है इसलिए तू पार्टी में से भाग गया इतना जल्दी? हाँ यार इसलिए मैं भाग गया, नहीं तो मैं कीको को क्यों मारूंगा? कीको के साथ मेरा कोई झमेला कोई कुछ भी नहीं है, दुश्मन भी नहीं है कीको मेरा। अरे यार ये भी हो सकता है। सो दोस्तों एविलन के साथ कीको का कोई झमेला भी नहीं है और एविलन बोल रही है। सो गाइस उसका बेटे का ना 10 बजे स्कूल है, इसलिए गाइस वो पार्टी में से 10 बजे निकल गया। ठीक है मैं बाद में आऊंगा। सो गाइस मैं तो एविलन के पास गया था, गाइस मेरे को तो कुछ पता भी नहीं चला हमारे कीको को भाई किसने मर्डर किया। सो गाइस गड़बड़ हो चुका है यार। गाइस मैं तो एविलन के घर गया था और गाइस 1 घंटा तो देखते देखते चला गया भाई, पार्टी में सब लोग है ना। अरे यार सब लोग भाई मारपीट करके घर से बाहर चले गए डर के मारे, उन सबको पता चला जब कीको मर चुका है। अरे सच में भाई कीको मर गया है, उन सबको पता चलने के बाद ना गाइस जो डांस कर रहा था जैक एविल नन भाई ग्रैनी सब, अरे सब एक बंदा भाग गया है। लेकिन गाइस ये सब लड़की लोग अभी भी डांस क्यों कर रहे हैं? चलो भागो यहाँ से भाई, ये सब तो बिल्कुल भी नहीं मारेंगे कीको को। सो गाइस अभी मैं पता कैसे लगाऊं भाई कीको को किसने मारा है? सो गाइस मुझे ना जाना चाहिए नोबिता के पास। क्यों गाइस? दूसरा जो बंदा सबसे पहले भागा पार्टी में से वो है नोबिता, और नोबिता गाइस होमवर्क करने के नाम पे भाग गया। नोबिता अरे घर से बाहर निकाल नोबिता। अरे यार ये तो लिटिल सिंगम का गला है, ये तो मेरा पड़ोसी है। अरे चलो मैं चलता हूँ। अरे क्या हुआ लिटिल सिंगम तेरे साथ? अरे तेरे को पता है कीको को किसने मर्डर कर दिया? अरे यार सच में? अरे बोल तू पार्टी में से क्यों इतना जल्दी भाग गया? अरे बोला ना मैं ना गया था अपने होमवर्क करने। तेरा होमवर्क तूने कर लिया? हाँ यार मैं तो होमवर्क अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन तेरे को मेरे ऊपर शक हो रहा है, तेरे को शर्म नहीं आता? कीको मेरा दोस्त था, लेकिन मेरे को अभी बाहर निकालना पड़ेगा भाई किसने कीको को मारा। ठीक है तू घर में रह, तू घर में से बाहर नहीं जा सकता, तू अभी घर में रहेगा ओके? अरे ठीक है भाई, तू हाल ही में मेरे ऊपर शक कर रहा है। सो गाइस अभी ना मेरे को हर एक बंदे को व्हाट्सएप करना है भाई, वो जो भी हो मेरा दोस्त हो मेरा भाई हो जो भी हो। सो गाइस नोबिता के पास गया था, नोबिता ने गाइस बात बताया। सो गाइस नोबिता तो लगता है नहीं मारा है। अरे लिटिल सिंगम भैया तो किसने मारा था? अरे यार मैं वही सोच रहा हूँ भाई कौन मार सकता है। सो गाइस एक ही से प्लान है, वो है गाइस मुझे ना हर एक बंदे के पास जाना पड़ेगा जो जो इस पार्टी में आया था, जैसे कि ग्रैनी जैक और भी बंदा। अरे क्या हुआ मेरे को क्यों बुलाया मास्टर? चल मेरा पीछा कर, हमने अभी पार्टी में जो जो बंदा इनवाइट था सबके घर में जाएंगे और पता लगाएंगे भाई वो सब पार्टी में से भाग क्यों गए कीको मर्डर होने के बाद। अरे वो सब डर के मारे भाग गए और कौन हो सकता है? नहीं लावा लिटिल सिंगम तू जो सोच रहा है ना बिल्कुल भी ऐसा कोई सीन नहीं है, वो सब भागे हैं। लगते उनमें से कोई बंदा ना कीको को जानबूझ के पूरा मार दिया, मतलब मर्डर कर दिया।
अरे ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सबसे पहले हम किसके पास जा रहे हैं? वही मैं सोच रहा हूँ, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ जैक के पास। अरे जैक के साथ वही इसका क्या लेना देना है? जैक तो उसको पहचानता भी नहीं कीको को मास्टर। अरे मेरे को पता है, जैक ना कीको को बिल्कुल भी नहीं जानता, दोनों में कोई दोस्ती भी नहीं है। मेरे को ना सबके ऊपर शक करना पड़ेगा, उसके बाद निकाल पाऊंगा जिसने हमारे प्यारे दोस्त को कीको को मार दिया। सो गाइस मैं ना आ चुका हूँ लॉस सैंटोस के इस ऊंची जगह पे। सो गाइस यहाँ पे ना जैक काम करता है। और हाँ जैक, अरे जैक भाई तेरे को क्या पता है कीको मर चुका है? ओए मेरे को तो पता चला, मैं जब आ रहा था मेरे को एक वाटर सिंह हमने बोला। अरे तेरे को पता है किसने मारा इसको? ओए मेरे को तो सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने तो उसका हाथ भी नहीं लगाया और उसको तो मैं पहचानता भी नहीं। ओए तू कैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी रह सकता है? ओए तू पागल है क्या? मैं तो उसको पहचानता भी नहीं। अरे मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। सो गाइस जैक बोल रहा है उस तो उसको पहचानता भी नहीं, भाई क्यों मर्डर करेगा? लगता है गाइस मुझे उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा। ये ले। ओए तू क्या करना चाहता है? ओए भले तू मेरे को गोली मार दे, लेकिन जो सच है वही मैं बताऊंगा। ओए मैं उसका पहचानता नहीं, मैं उसको कुछ करूंगा भी नहीं। ओए मैंने तो उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। ओए तुझे ना ग्रैनी के पास जाना चाहिए। ओए ग्रैनी और वो ग्रैंडपा कोई फंदी मार रहे थे। ओए कैसी बात है, ठीक है मैं चलता हूँ। और एक बात, लॉस सैंटोस छोड़ के बाहर के शहर में जाने की बात ही मत सोचना, ठीक है? ओए सो गाइस मैंने तो जैक को वार्निंग दे दिया। लगता तो गाइस जैक का बात सुन के, भाई जैक ना कीको को पहचानता नहीं इसलिए उसको मर्डर बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो गाइस जैक बोल रहा था मेरे को एक बार ना ग्रैनी और ग्रैंडपा के घर में जाके एक बार बातचीत करना चाहिए। आई थिंक सो वो भी मार सकता है कीको को। क्यों गाइस? कीको और गाइस ग्रैनी का बहुत टाइम से दुश्मनी चल रहा है। चलो गाइस घर के अंदर चलो घुसते। नहीं क्या कर रहे हो तुम? हमारा कीको मर चुका है मेरा दोस्त। भाई भाई तुम दोनों ने मारा ना उसको? अरे नहीं मैं उसको क्यों मारूंगी? अरे नहीं मैंने उसको नहीं मारा। भाई मेरे को लगता है ना ग्रैनी ने इसी पार्टी में गया था, ग्रैंडपा तो नहीं था। अरे तुम पागल हो चुके हो, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं मारा। अरे उसका और मेरा दुश्मनी बहुत टाइम पहले खत्म हो चुका है, वो सब हमारा दोस्त है। भाई ये बोल रहा है भाई, वो सब दुश्मनी ना बहुत टाइम पहले खत्म हो चुका है कीको के साथ, अभी ना कीको और ग्रैनी दोस्त है। भाई सच में ऐसी बात है? हाँ ग्रैंडपा से पूछ लो। हाँ हाँ सही बताया, कीको के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है, और एक बात, और शहर छोड़ के जाने की बात मत सोचना। चलो गाइस अब ग्रैनी के घर से भी चलते हैं। सो गाइस अभी मैं क्या करूँ? सो गाइस मैं तो हर एक घर में गया था, सबसे मैंने बातचीत किया, सबका बात सुन के लग रहा है भाई वो सब भाई मर्डर के साथ उनका बात का कोई लेन देन भी नहीं है। चलो गाइस लास्ट बार और एक घर में चलते हैं भाई, उससे बातचीत कर दे, आई थिंक भाई कुछ पता चले मर्डर के बारे में, कीको के बारे में। सो गाइस मैं अभी आया हूँ जोकर के पास। सो गाइस पता नहीं जोकर कितना ज्यादा गंदा बंदा है। अरे मेरे कैसे गंदा बोल दिया, क्या हुआ बोल? अरे तेरे को पता है ना कीको को किसी ने मर्डर कर दिया? हाँ इसका मैं क्या करे, उसके साथ मेरा क्या हाथ है? ओए तूने लगते कुछ किया है? अरे तू पागल है क्या, वो मैं क्यों करूंगा मैं? अरे ऐसे कोई बंदा मर्डर करने के बाद ऐसे ही बोलता है, लगता है उसके साथ तेरा कोई दुश्मनी था। अरे पागल, कभी मेरा उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं था। और एक बात, वो कहाँ पे डांस कर रहा था, मैं कहाँ पे डांस कर रहा था? मुझे उसको नहीं जानता, वो मेरे को भी नहीं जानता। इसके ऊपर मैं जुल्म नहीं उठा सकता, मुझे गाइस सबूत के साथ बात करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए यहाँ से भी चलते हैं, लावा फटाफट बैठ। सो दोस्तों अभी ना मेरे को एक ही चीज मेरे को सिर्फ सूझ रहा है, वो है सीसीटीवी कैमरा। सो गाइस अभी मेरे को देखना पड़ेगा भाई कौन बंदा कब कब भागा, और गाइस मर्डर होने के बाद कौन कहाँ पे चला गया और कौन कहाँ से भागा। सो गाइस आई थिंक मेरे को पता चल सकता है। हाँ मास्टर ये तो बढ़िया खबर है, आपको पहले सबसे पहले सीसीटीवी देखना चाहिए था। चलो गाइस अभी ना फटाफट हमारे घर पे सीसीटीवी पास चलते हैं, कंप्यूटर के पास, वहां से देखते गाइस कौन कब भागा। ऑल राइट गाइस ये रहा मेरा लैपटॉप, चलो गाइस फटाफट इसको ऑन करते हैं, देखते क्या सीन है। ऑल राइट गाइस मेरे को दिखाई दे रहा है, एक मिनट ये तो एविल नन है, लेकिन इतना तेजी से क्यों भाग रही है? अरे यार इसके ऊपर मैं फोकस करता हूँ। अरे दोस्तों तो बड़े तेजी से भाग गया। अरे दोस्तों मेरे को समझ आ गया। सो दोस्तों मेरे को लगता है ना भाई इसने ही मारा है। चलो गाइस अभी ना मैं कॉल करके हर एक बंदे को बुलाता हूँ जो जो पार्टी में था, उसके बाद गाइस अभी मैं बैठ जाऊंगा। ऑल राइट गाइस सो दोस्तों अभी ना मेरे सामने है सात बंदा। सो गाइस इनमें से एक ही बंदा मर्डर किया है कीको का। ओए तेरे को क्या मालिक रहा है, मैं मारा है? ओए मैं जैक हूँ, ओए मैं उसको जानता भी नहीं। सो गाइस जैक बोल रहा है ओ कीको को बिल्कुल भी नहीं जानता, मतलब गाइस कीको और उसमें कोई दोस्ती भी नहीं है, कोई दुश्मनी भी नहीं है। और ग्रैनी बोल रहा है गाइस ओ ना कीको के साथ जो पहले का जो दुश्मनी था वो सब सॉल्व हो चुका है, अभी ना ग्रैनी सब दोस्त है। हाँ, तो पूरा सही बताया। चलो गाइस जोकर बोल रहा है
जोकर के साथ उसका भी कोई लेना देना नहीं है भाई, कीको को पहचानता भी नहीं है। सही बताया, उसके साथ क्या होगा मेरा। सो गाइस ये ग्रैंडपा बोल रहे भाई, ग्रैंडपा तो पार्टी में नहीं था। और गाइस ये भी था है बलून, मतलब है ब्लू ब्लू ब्लू। सो गाइस ये तो बात भी नहीं कर सकता, चलो इसको छोड़ देते हैं। सो गाइस अभी आता है एविलन जो बहुत ज्यादा तेजी से भाग गया। अरे तू पागल है क्या, मैंने उसको कुछ नहीं किया। हाँ मैं समझ गया सब। अभी गाइस देखो ब्लैक लिटिल सिंगम। ओए तूने मेरे को क्यों पकड़ा, मैं हूँ ब्लैक लिटिल सिंगम। अरे रुक रुक मैं सब बताऊंगा भाई चलो। सो दोस्तों मैं ना गिनती करूंगा। सो गाइस मेरे को तो भी पता लग चुका है भाई किसने मारा है कीको को। अरे लिटिल सिंगम भैया मेरे को तो पता नहीं लगा, लेकिन ब्लैक लिटिल सिंगम तो भाई हमारा दोस्त है, ऐसे ही चलते रहता है, लेकिन वो तो भाई कीको को बिल्कुल भी नहीं मारेगा। रुक जा भाई अभी सब खुलासा हो जाएगा। सो दोस्तों अभी ना एक से लगातार मैं 10 तक गिनती करूंगा। और एक बात मेरे को ना पता लग चुका है भाई किसने मारा है कीको को। चलो गाइस मैं गिनती स्टार्ट करता हूँ। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर। सो दोस्तों आप फटाफट कमेंट करो आपको पता है तो। टिक टिक फाइव, टिक टिक सिक्स, टिक टिक सेवन, टिक टिक एट। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा। टिक टिक नाइन, टिक टिक टेन। चलो गाइस यही पे खत्म होता है। सो गाइस जिन जिन ने कमेंट किया बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत ज्यादा समझदार हो। बता देता हूँ भाई किसने मारा है। सो गाइस जिसने मारा है कीको को वो है, अरे मैंने तो बिल्कुल भी नहीं मारा, वो है गाइस ब्लैक लिटिल सिंगम ने। अरे पागल है क्या। हाँ यार गाइस ब्लैक लिटिल सिंगम ने मारा है हमारे कीको को। चलो गाइस आपको ना एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ जो मेरे फोन में है, वो गाइस मेरे को भेजा है लावा लिटिल सिंगम ने। चलो गाइस आपको दिखाता हूँ, देखो ये गाइस देखो लावा लिटिल सिंगम ना हाथ में एक एक्स लेके भाग रहा था, मतलब गाइस इस एक्स में ना खून भी लगा है। सो गाइस ब्लैक लिटिल सिंगम ना इस एक से ना उसके सिर के ऊपर मार के एकदम पानी में गिरा दिया, सिर के ऊपर मार के ना पूरा मार डाला उसको, एक बलून के ऊपर लटा दिया। ऑलराइट आई थिंक तो गाइस आप लोग समझ चुके होंगे। चलो गाइस ब्लैक लिटिल सिंगम तो बहुत ज्यादा गंदा सजा मिलेगा। सो दोस्तों वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो गाइस आप चाहते हैं इसको सजा मिले, फटाफट यस कमेंट कर देना। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बता दो। चलो गाइस सामने जो वीडियो शो कर रहे हैं उसमें भी क्लिक कर दो, भी बढ़िया है। अरे ये तो खतरनाक टाइप का मामला था, मेरे को गाइस को समझ नहीं आया। चलो मैं तो लगता है बद दिमाग।